आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स दैट विल इंक्लूड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, डिस्पर्सन फोर्सेस। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट जो हमें ऑब्जर्व करना है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्सेस। तो डायपोल डायपोल फोर्सेस, यानी कि दो डायपोल्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है HF एंड HF, तो दोनों में डायपोल्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। तो एक तो डायपोल है और एक इंड्यूस्ड डायपोल है, ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हो सकती है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन है हमारे पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो HF का ही एग्जाम्पल लेंगे, HF और HF, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पॉसिबल है, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स इंटर मॉलिक्यूलर कोवेलेंट बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्पर्सन फोर्सेज, यानी कि दो नॉन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच की जो अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं या फिर रिपल्शन फोर्सेस जो होती हैं, उनको हम डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो ए बी सी ई, अब हम करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करते हैं। इट इज इन ऑप्शन टू, ए बी सी आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।